टू ऑल दोस वंडरफुल सोल्स आउट देयर, हाई फ्रेग्रेंस फैमिली, दिस इज योर ओन होस्ट गौरव, और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही सेंसेशनल रिलीज की जो गेरला की तरफ से है। ये इनके परफॉर्म वर्जन है, बने रहिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। Thank you guys for tuning into my channel. Before starting a video, let me tell you that we create fragrance related videos. So, अगर आपको इस context में जरा सा भी interest है, channel subscribe कर लीजिए और video को end तक देखिएगा, because इस बार हम लोग Guerlain की जो parfum line है उसके बारे में बात करेंगे, और मुझे नहीं लगता है शायद से ज्यादा इसके videos बने हैं, so दिल थाम के बैठिए। और इस channel में आपको बहुत बार fragrance meme, fragrance facts और काफी चीजें fragrances के बारे में बात होती है। So guys, without further delay, जो आज हम लोग ने topic choose किया है वो है Guerlain की जो parfum concentration की fragrances हैं। But before that, Let me tell you that Guerlain एक फ्रेंच फैशन हाउस है जो 1828 में इंक्यूबेट हुई थी। मुझे लग रहा है शायद से 150 साल से ज्यादा हो चुके हैं इनको परफ्यूम इंडस्ट्री में, और इनके जो फ्रेग्रेंसेस हैं सब एक से एक बढ़ के परफ्यूम्स हैं, और पूरे वर्ल्ड वाइड इनकी जो पॉपुलैरिटी है दैट इज लाइक मिसमराइजिंग। Guerlain का स्टैंड अलोन स्टोर भी है पेरिस में शांज़ेलिज़े स्ट्रीट पे, और वो एक बहुत ही आइकॉनिक स्टोर है जहाँ पे आपको विंटेज परफ्यूम से लेके लेटेस्ट परफ्यूम्स भी मिलेंगे। और इनके जितने भी परफ्यूम्स रहते हैं वो मॉडर्न भी रहते हैं, और कुछ अभी इन्होंने अरब सीरीज निकाली थी दुबई या मिडिल ईस्ट को ओट देने के लिए। सो इनके आर्सेनल में फ्रेंच स्टाइल के परफ्यूम्स भी हैं और अरबिक स्टाइल के परफ्यूम्स भी हैं, और ये एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड फ्रेग्रेंस ब्रांड है जो मुझे लगता है शायद से आप सभी को जानना चाहिए, और ये एक बहुत ही ट्रूली डिजर्विंग टाइप की फ्रेग्रेंस हाउस है। सो गाइस, जो पहला फ्रेग्रेंस हम लोग रिव्यू करेंगे, दिस इज कॉल्ड वेटिवर परफ्यूम। गाइस, वेटिवर परफ्यूम मैं आपके सामने अनबॉक्स कर रहा हूँ, आज ही मेरे पास पार्सल आया था तो मैंने भी इसको टेस्ट नहीं किया है। सो लेट्स सी हाउ दिस फ्रेग्रेंस इज। पैकेजिंग तो वही बिल्कुल सेम ही रखी है इन्होंने, कुछ अलग सा नहीं किया है। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं वेटिवर परफ्यूम का जो कलर कॉन्सेंट्रेशन है वो भी ही काफी ज्यादा डार्क ग्रीन है। आइए टेस्टिंग कर लीजिए, देखें क्या चीज बनाई इन्होंने। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, Guerlain वेटिवर एक बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस है जो ईयर 2000 में लॉन्च हुआ था, और अभी तक के उसकी जो पॉपुलैरिटी है वेटिवर फ्रेग्रेंसेस में वो सबसे ज्यादा रही है। और अभी लास्ट ईयर मुझे लग रहा है शायद निखिल भाई ने भी इसका वीडियो किया था, उसके बाद से Guerlain की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है इंडिया में। वाह, मेरे पास सही होता हूँ तो इस फ्रेग्रेंस को डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं है। मुझे लग रहा है शायद से ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट फाइंडिंग्स है 2024 की। This is a true masterpiece, I would say. Guerlain truly deserve करता है Oscar in terms of fragrance uniqueness. जो पहले का Guerlain वेटिवर EDT आता था वो basically बहुत ही ज्यादा fresh था, बहुत ही ज्यादा citrusy था, और उसमें tobacco का जो note था वो इस fragrance का backbone था जो उसको fresh भी बना रहा था और at the same time बहुत ज्यादा mature बना रहा था। उसी का DNA लेके इन्होंने Guerlain वेटिवर परफ्यूम वर्जन लॉन्च किया है, जो मुझे लग रहा है शायद से DNA तो सेम है बट इसका जो नोट है वो बहुत ज्यादा डार्क सा आ रहा है। इस फ्रेग्रेंस में मुझे citrusy accords है वो बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। मुझे इसमें वेटिवर का जो अर्दी अकॉर्ड होता है या फिर जो खस की जो वैसी जड़ों वाली खुशबू होती है बहुत डार्क सी, बहुत वुडी टाइप की, वो इसमें ज्यादा आ रही है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे Guerlain वेटिवर मेनली समर ओरिएंटल फ्रेग्रेंस था, मुझे लग रहा है वेटिवर परफ्यूम को लॉन्च करके इन्होंने बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स किया है। आप इसको समर्स में भी लगा सकते हैं, विंटर्स में भी लगा सकते हैं, बिकॉज इसमें जो वेटिवर का नोट है वो बहुत ज्यादा जैसे ब्राइट टाइप का नहीं है, बहुत ज्यादा स्मोकी टाइप का है, और इसमें मुझे थोड़ा सा वनीला इन्फ्यूज्ड भी लग रहा है ये फ्रेग्रेंस। स्मूथनेस के मामले में तो मुझे लग रहा है शायद से ये सबको बीट कर देगा, बिकॉज बीइंग इन परफ्यूम वर्जन जो स्मूथनेस है या जो डेप्थ है वो तो बाय डिफॉल्ट होती ही होती है, बट इसको लगाने के बाद में स्प्रे करने के बाद भी मुझे जरा सा भी पिंच नहीं किया, तो ये बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है। इसकी जो परफ्यूमर है वो है डेल्फिन जेल, जो इन हाउस परफ्यूमर है Guerlain की, और इन्होंने काफी ही सारे Guerlain के पहले भी परफ्यूम्स बनाए हुए हैं बहुत ही पॉपुलर से, जैसे कि Guerlain एलोम आइडियल प्लैटिनम प्रीवे हो गया, मॉन Guerlain सीरीज हो गई, ला होम इडियल ईडीपी हो गया, ये सब डेल्फिन जेल के ही बनाए हुए फ्रेग्रेंसेस हैं। और वेटिवर परफ्यूम को इन्होंने लॉन्च करके मुझे लग रहा है शायद से एक बहुत ही अच्छा बेंचमार्क क्रिएट किया है। अब आप देखोगे तो गाइस 2022 से लेके अभी तक के जो सफर चल रहा है परफ्यूम इंडस्ट्री में वो ज्यादातर एलिक्सर्स निकल रहे हैं या फिर प्योर परफ्यूम या एक्सट्रैक्टेड परफ्यूम ही लॉन्च हो रहे हैं, और उस हिसाब से Guerlain ने जो इसमें एक जर्नी बनाई है एडीटी के बाद डायरेक्टली परफ्यूम लॉन्च करके वेटिवर का, आई थिंक सो दे ट्रूली डिजर्व द एप्रिसिएशन बिकॉज ये फ्रेग्रेंस जेनरली बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आइए एक बार इसका नोट ब्रेकडाउन देख लिया जाए। इस फ्रेग्रेंस के मेजर अकॉर्ड्स हैं वेटिवर, स्मोकी नोट्स हैं, थोड़ा सा जूनिपर बेरी का यूज किया है,
टोंका बीन इन्फ्यूज है और बेस में इन्होंने लिकोराइज और कोरिएंडर का नोट यूज किया है, जो थोड़ा सा इसको अर्दी और स्वीट सा फील दे रहे हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और यूनिक टाइप का फ्रेग्रेंस है। अभी तो जैसे मैंने इसकी फुल वेयरिंग नहीं दी है, बट मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि इसकी जो लास्टिंग है वो इंडियन समर्स में भी इजिली 10 घंटे 12 घंटे रहेगी विद अ वेरी गुड प्रोजेक्शन। गेरला वेटिवर का प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा लाउड नहीं था, जो एडीटी वर्जन था वो बहुत ही ज्यादा पर्सनल टाइप की स्मेल थी, एक फिट तक प्रोजेक्ट करता था, ज्यादा नहीं करता था। और इंडिया में वैसे भी जो समर परफ्यूम्स हैं ज्यादा लास्ट नहीं करते हैं, तो इन्होंने जो परफ्यूम वर्जन लॉन्च किया है, मुझे ये तो कंफर्म है कि इंडिया में ये बहुत ही अच्छी एक छाप छोड़ेगा, क्योंकि लोगों को इंडिया में फ्रेश परफ्यूम्स के साथ में एक्सपेक्टेशन रहती है कि लास्ट करे और अच्छा प्रोजेक्ट करे। सो इन दैट रिगार्ड्स आई थिंक सो दिस इज अ वेरी गुड स्टफ। अगर आप बहुत ज्यादा ब्राइट टाइप का वेटिवर चाह रहे हो तो फिर आप गेरला वेटिवर एडीटी पे ही स्टिक करिएगा, बट अगर आप उसको थोड़ा सा डेप्थ चाह रहे हो या फिर थोड़ी सी यूनिकनेस, थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल ऑफ वेटिवर चाह रहे हो, तो आप गेरला वेटिवर को अपना एक फ्रेग्रेंस बना सकते हो। बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस है। इसके हम लोग अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये कुछ $175 का लॉन्च हुआ है यूएसए में, विच इज अप्रोक्सीमेटली 14,000 रुपीज इन इंडियन रुपीज। आई थिंक सो महंगा तो नहीं है, इन द सेंस इंडिया में जो गेरला वेटिवर एडीटी भी लॉन्च हुआ था वो 11,500 की रेंज में लॉन्च हुआ था, डिस्काउंट के बाद 8,000 के अराउंड मिल जाता था। अभी हो सकता है कि ये फ्रेग्रेंस आपको बहुत अच्छे सस्ते प्राइसेस पे ना मिले, और हम लोग भी इसको चाह रहे हैं कि कस्टमर्स को ट्राई करने के लिए, उनकी रीच बढ़ाने के लिए हम लोग ने भी इसकी डिकैंटिंग भी स्टार्ट की है। तो अगर आप चाहें तो 5ml 10ml की डिकैंट्स परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, सो दैट यू डोंट हैव टू बर्न योर पॉकेट। 13,000-14,000 लेके ब्लाइंड बाय मत करिएगा, डिकैंट्स ट्राई करिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि परफ्यूम है कैसा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप फुल बॉटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिव्यू इज फॉर गेरला हबी रूज परफ्यूम। गाइज ये फ्रेग्रेंस भी 2024 में लॉन्च हुआ था, इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लीजिए। पैकेजिंग पे थोड़ी सी इनको ध्यान देना चाहिए, सेम तरह की पैकेजिंग की है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है। बॉक्स सेम वैसे ही है जैसा गेरला EDT EDP के बॉक्सेस आते थे, अभी जो 2022 के बाद के बॉक्सेस हैं। और ये रही बढ़िया सी खूबसूरत सी हबी रूज की बॉटल। गाइस गेरला हबी रूज का जो EDP आता था वो भी एक बहुत ही क्लास अपार्ट टाइप का मेन फ्रेग्रेंस था, जिसमें आपका रोज और सिट्रस का जो मिक्स था वो बहुत ही ज्यादा अनोखा था, बहुत ही ज्यादा ऐसा था कि थोड़ा सा पोलराइजिंग जरूर था, सबको एक बार में नहीं पसंद आता, बट हाँ अगर आपका टेस्ट उस तरह के फ्रेग्रेंसेज में, यूनिक फ्रेग्रेंसेज में डेवलप हो गया, तो हबी रूज परफ्यूम आप अपनी सिग्नेचर बना सकते हो इस तरह का फ्रेग्रेंस। और इन्होंने जो हबी रूज परफ्यूम लॉन्च किया है, आइए एक बार टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि सेम DNA को कॉपी किया है या फिर कुछ अलग सा किया है। जनरली जब भी किसी भी परफ्यूम के फ्लैंकर निकलते हैं तो उसमें लोग DNA को तो सेम ही रखते हैं, बस उसमें थोड़े से नोट्स को ट्वीक किया जाता है। गाइस अभी तक मैंने स्मेल भी नहीं किया और इसकी स्मेल मेरे नाक तक ही पहुंच भी गई है। अच्छा फ्रेग्रेंस है, बूजी टाइप की स्मेल आ रही है इसमें। गेरला हबी रूज परफ्यूम को बेसिकली मुझे लगता है हबी रूज का जो EDP वर्जन आता था उसके रोज और सिट्रस के नोट्स को बहुत ज्यादा टोन डाउन कर दिया है और इसको बहुत ज्यादा ओरिएंटल स्टाइल में ले गए हैं परफ्यूम को। ओपनिंग में तो रम का अकॉर्ड बहुत ही ज्यादा क्लियर आ रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वनीला इन्फ्यूज्ड है, थोड़ा सा बर्गमोट का नोट है, बट बहुत ज्यादा खट्टा बर्गमोट नहीं यूज हुआ है, बहुत ही सटल है, बहुत ही स्वीट टाइप की स्मेल आ रही है अभी तो। ये मुझे लग रहा है शायद से हबी रूज EDP से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। हबी रूज EDP मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसमें जो एक्स फैक्टर था वो इस फ्रेग्रेंस को बहुत ज्यादा यूनिक बनाता था। ये फ्रेग्रेंस है तो बहुत यूनिक, बट मुझे लग रहा है इस लाइन में और भी मैंने कुछ फ्रेग्रेंसेस स्मेल किए हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एम्बर वुडी जॉनर का फ्रेग्रेंस है, थोड़ा सा एम्बरी टेक्सचर है इसका, थोड़ा सा बूजी होने के साथ साथ थोड़ा सा ऐसा फील करा रहा है कि जैसे थोड़ा सा गोमान टच इसमें आ रहा है, शायद से वनीला का नोट है जो इसको गोमान टच दे रहा है। स्मेल वाइज तो मैं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से ब्लेंडेड है, क्योंकि इसकी जो स्मेल है जैसे कि मैंने अभी स्मेल भी किया, जरा सा भी नॉस्ट्रल्स पे चुभा नहीं है, तो ये समझ में आ जाता है कि जो इसमें ब्लेंडिंग हुई है या फिर जो कंपाउंडिंग हुई है वो बहुत ही अच्छे लेवल की है। अब बस ये देखना है कि ये किस तरह का आपकी बॉडी पे उभरेगा। मुझे ये लग रहा है कि हबी रूज EDP जो आप समर्स में भी लगा सकते थे गर्मी में निकल के, ये समर ओरिएंटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप समर्स में AC में बैठ के ये परफ्यूम लगाएंगे तो जरूर अच्छा लगेगा, बट समर्स की स्कॉचिंग हीट में ये फ्रेग्रेंस मत लगाइएगा, ये उस तरह का जॉनर नहीं है। इस फ्रेग्रेंस की भी परफ्यूमर सेम डेल्फिन जेल्क है, तो मुझे लग रहा है ये जो तीनों सीरीज है ये डेल्फिन जेल्क की ही इंट्रोड्यूस सीरीज है, और 2024 अभी लेटेस्ट ही लॉन्च है, तो मुझे लग रहा है अभी आप फ्रेग्रेंटिका पे भी चेक करोगे तो बहुत रिव्यूज नहीं मिलेंगे और हो सकता है कि बहुत ट्विस्टेड रिव्यूज हो। सो आप इन सब फ्रेग्रेंसेस को पहले ट्राई करिएगा तभी फुल बॉटल्स परचेज करिएगा। गाइज इस फ्रेग्रेंस में इट इज वेरी ऑड, बट मुझे इसमें मेजों फ्रांसिस कुर्दिजों का उस सैटन मूड करके एक परफ्यूम आता है जो कि बहुत ही प्रीमियम नीश फ्रेग्रेंस है, मुझे कुछ उस तरह के इसमें नोट आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत ही स्वीट रोजी टाइप की स्मेल है, थोड़ा सा मुझे इसमें शालीमार का भी जो पाउडरी फील है वो भी इस फ्रेग्रेंस में आ रहा है।
ये कहना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये फ्रेग्रेंस रिडंडेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज लाइक बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। बहुत ही यूनिक है इन द वे कि जो गेडला हेबिरुश का जो डीएनए था वो एक बहुत ही एक पंच ऑन योर फेस टाइप का था, बट इसपे इन्होंने इसको मेलो डाउन कर दिया है, एक बहुत ही ज्यादा रीगल फील दिया है, बहुत ही ज्यादा रॉयल फील दिया है, और साथ में इसको जो थोड़ा सा वुडी या फिर उदी अकॉर्ड मुझे लग रहा है जो दिया है वो इस फ्रेग्रेंस का गेम चेंजर है। अभी के लिए स्टार्टिंग है तो मुझे वो सैटिन मोड से भी बहुत सिमिलरिटी फील हुई, गेडला का शालीमार से भी बहुत ज्यादा सिमिलरिटी फील हुई, थोड़ा सा पाउडरी एस्पेक्ट है इस फ्रेग्रेंस से। लास्टिंग तो मुझे पता है कि लाजमी 10 से 12 घंटे रहेगी, इसमें कोई मशक्कत की बात नहीं है, बिकॉज परफ्यूम वर्जन है तो लास्टिंग तो बाय डिफॉल्ट अच्छी रहेगी। अब बस इसकी फुल वेयरिंग करके मुझे पता चल पाएगा कि प्रोजेक्शन कैसा है इसका, बट ट्रूली ऑल इन ऑल दिस इज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। सेम $175 का लॉन्च हुआ है, विच इज क्लोज टू 14,000 रुपीज, तो इट्स अ गुड वैल्यू फॉर मनी, एक बार ट्राई जरूर करें। लास्टली वी आर गोना रिव्यू लाहौम इडियल परफ्यूम। ये देखा जाए कैसी फ्रेग्रेंस है गाइस। इसकी अनबॉक्सिंग करने पे आपको इतनी खूबसूरत सी बॉटल मिलती है, बॉटल सेम लाहौम इडियल जैसे आपसे आता था उसी तरह की है, बट जूस का जो कलर है काफी ज्यादा डार्क है। मुझे लग रहा है शायद से गेडला ने एक जैसे थीम बनाई हुई है कि परफ्यूम वर्जन है तो थोड़ा सा डार्क होना चाहिए जूस, उससे कहला लोग अच्छे से रेजोनेट कर सकते हैं परफ्यूम से। आइए टेस्टिंग कर लीजिए गाइस। आप लोग अगर थोड़ा भी फ्रेग्रेंस गेम फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा गेडला की जो लाहौम इडियल ईडीपी परफ्यूम था वो वर्ल्ड का मुझे लगता है शायद वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनर फ्रेग्रेंस होगा सेल्स में। उसकी स्मेल को कहा जाता था बेसिकली रोमांस इन द बॉटल, बिकॉज वो इतना ही बढ़िया फ्रेग्रेंस था। आई थिंक सो इट वॉज मेड टू परफेक्शन एंड दैट डेफिनेटली डजंट वॉरेंट अ ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन, बिकॉज उसकी जो स्मेल थी वो बहुत सिंपल थी, आमंड वनीला और टोंका और थोड़े वुडी नोट्स का ब्लेंड था, और वो ऐसी फ्रेग्रेंस थी कि जैसे मेरे शोरूम पे ऑपुलेंस परफ्यूमरी पे भी मैंने कभी किसी को वो टेस्ट कराया तो ऑलमोस्ट 8 out of 10 पीपल यूज टू लव दैट फ्रेग्रेंस। इतना ही बढ़िया फ्रेग्रेंस था कि कभी मुझे पुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लोग इंटरनेट से वीडियोज देख के आते थे ट्राई करने के लिए, परचेज करने के लिए। निखिल ने भी उसका बहुत अच्छा वीडियो किया था 1-2 साल पहले, उससे भी काफी लोग पूछते हुए आए। और लाहौम इडियल जो आइडियल परफ्यूम है, नाउ दिस इज अ ब्यूटी गाइस। इन्होंने जो परफ्यूम लाइन लॉन्च की है गेडला ने, मुझे लग रहा है सब बहुत बढ़िया काम किया है फ्रेग्रेंसेस में। सेम गेडला लाहौम इडियल ईडीपी वाला डीएनए रखा गया इसमें, आमंड वनीला थोड़ा सा टोंका थोड़ा सा हर्बल नोट्स प्रॉपर आ रहे हैं इसमें। आप हंसोगे अगर मैं आपको कहूं मुझे थोड़ा सा इस फ्रेग्रेंस से जोंगो गोल्टर के लमाल ईडीटी टाइप की एक स्मेल आ रही है, नॉट एग्जैक्टली लमाल ईडीटी बट कुछ उस तरह की एक स्मेल है इसमें। वो मुझे लग रहा है शायद वनीला के नोट के चक्कर में है, आमंड का नोट इसमें बहुत ही ज्यादा एम्ड अप है, ट्रूली डिजर्व करता है जितनी भी हाइप इस फ्रेग्रेंस की बनेगी। बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस है, अभी 2024 में लॉन्च हुआ है और इनकी भी परफ्यूमर डेल्फिन जेल की है। ये फ्रेग्रेंस मुझे लग रहा है जैसे जैसे थोड़ा सा और ड्राई डाउन आएगा ये थोड़ा सा लेदरी हो जाएगा, बिकॉज इसका जो नोट आ रहा है थोड़ा सा वैसा रस्टी टाइप का आ रहा है नोट इसमें। पाउडरी नोट इसमें बहुत ज़्यादा हैवी आ रहा है, आई थिंक सो थोड़ा सा लेवेंडर या किसी वैसे नोट का यूज़ किया गया जो फ्रेग्रेंस को थोड़ा पाउडरी बना रहा है। अगर हम लोग फ्रेग्रेंटिका की बात करें तो फ्रेग्रेंटिका कहता है कि इसके जो टॉप नोट्स हैं वो है एमरेटो जो बेसिकली आमंड का नोट होता है, लेदर है, मस्क और पचोली का बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड है। ये फ्रेग्रेंस गोमांड जोनर में तो है ही बट साथ में ये वुडी स्टाइल का परफ्यूम है, वुडी है और मुझे लग रहा है थोड़ा सा एम्बरी टाइप की स्मेल है। बहुत यूनिक है इन अ वे कि आप इस फ्रेग्रेंस को लगाओगे तो आसपास के लोगों को अच्छा तो लगेगा ही बट साथ में आपको भी एक वो जो वाव फैक्टर होता है वो इस फ्रेग्रेंस से जरूर आएगा। मुझे लग रहा है कि इसकी जो स्मेल है वो बहुत चेंज होगी, पहले जो स्प्रे किया था उसमें स्मेल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी, अभी तक के मतलब कि काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है इसमें स्मेल इसको मुझे। बट ऐसा लग रहा है कि लगाने का सबसे अच्छा समय होगा विंटर्स, बिकॉज बीइंग अ गोमांड और अ स्वीट टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस समर्स के लिए थोड़ा सा क्लॉइंग हो सकता है, बिकॉज अगेन परफ्यूम वर्जन है तो डेप्थ तो है ही है, थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। दिस इज़ वेरी आइडियल अगर आप इसको डे नाइट पे लगाइए या फिर आप इसको ऑटम सीजन में लगाइए या फिर विंटर सीजन में। समर्स के लिए मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा इस फ्रेग्रेंस को, समर्स में अगर आपको लगाना भी है तो आप इसको जब आप कभी भी डेट पे जा रहे हैं तो दो स्प्रेज इसके करेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। कभी भी फ्रेग्रेंसेस के ओवर स्प्रेज मत करिए, बिकॉज आपकी जो नोस्ट्रिल है वो तो फटीक हो ही जाती है उसको, आसपास के लोगों को हो सकता है कि वो फ्रेग्रेंस थोड़ा सा इरिटेट करे या फिर नॉजिएट करे। सो ट्राई करिए परफ्यूम को ओवर स्प्रे मत करिए। और मुझे लग रहा है लाहौम इडियल की जो परफ्यूम वर्जन है ये एक बहुत ही अच्छा मास्टरपीस होने वाला है गोमांड कैटेगरी में, बहुत ज्यादा स्वीट भी नहीं है, स्पाइसी तो है ही नहीं और एक बहुत ही अच्छा बेंचमार्क टाइप का आमंड और वनीला बेस का फ्रेग्रेंस है। मैं इस फ्रेग्रेंस को 10 out of 10 दूंगा, बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है और जिन लोगों को लाहौम इडियल ईडीपी है मुझे लग रहा है शायद से ये लेना रिडंडेंट होगा। अगर आपके पास नहीं है ईडीपी वर्जन तो आप परफ्यूम वर्जन ही लीजिए क्योंकि इसमें जो ट्विस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। सो आई हाईली सजेस्ट गाइस। ये रही बात गेडला के परफ्यूम वर्जन की, और अगर आपने ये फ्रेग्रेंसेस कभी ट्राई किए होंगे तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका फीडबैक क्या है, और देखते हैं आगे कौन कौन से नए नए फ्रेग्रेंसेस आते हैं। मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा टाइम निकाल के अच्छे अच्छे और वीडियोज बना सकूँ और आपको थोड़ा बहुत
इसकी जो नॉलेज है मुझे मैं आपको दे सकूं। सो आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज काम को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, सो दैट थोड़ी बहुत नॉलेज है वो लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।